हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम अपने एसे 220 को ख़त्म करेंगे। इसमें हमें बहुत सारी बातें पढ़नी थी जो कि हमने पढ़ी वन बाय वन स्लो मोशन में। अब हमारे पास है लास्ट पॉइंट, जो कि मैंने फिफ्थ पॉइंट आपका छुड़वा दिया था और मैंने आपको लास्ट पार्ट में कहा था कि आप इसके लिए 3 पेजेस जो है वो छोड़ दीजिएगा। ठीक, अब ज़रा ध्यान से सुनिए। इंगेजमेंट परफॉर्मेंस में सबसे पहला काम हमारा होता है कि डायरेक्शन, परफॉर्मेंस एंड सुपरविजन। डायरेक्शन मतलब कहाँ क्या काम करना है, परफॉर्मेंस मतलब कितना काम करना है, और सुपरविजन मतलब आप चेक करो कि जो जहाँ काम करने के लिए कहा गया उसने किया या नहीं किया। परफॉर्मेंस मतलब जितना कहा गया था उतना किया या नहीं किया। ठीक, ओके। द इंगेजमेंट पार्टनर शैल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर। इंगेजमेंट पार्टनर कौन कौन है? राम जी प्लस लक्ष्मण जी, ये दो हमारे इंगेजमेंट पार्टनर। शैल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे किसके लिए सर? सर डायरेक्शन के लिए, परफॉर्मेंस के लिए एंड सुपरविजन के लिए। किसके लिए लेंगे? डायरेक्शन के लिए, परफॉर्मेंस के लिए एंड सुपरविजन के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। ऑफ ऑडिटिंग इंगेजमेंट सो दैट ऑडिट में कंप्लाई विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। क्यों करेंगे सर? दैट सो दैट, इसलिए क्योंकि ऑडिट जो है वो कंप्लाई कर पाए। क्या कंप्लाई करना है? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को कंप्लाई करना है, और लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लाई करना है, एंड ऑडिटर रिपोर्ट में बिकम अप्रोप्रिएट इन दिस सर्कमस्टांसेस। और जो ऑडिटर की रिपोर्ट है वो सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट बन पाए, इसके लिए हमें क्या करना है सर? डायरेक्शन, परफॉर्मेंस एंड सुपरविजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। और कौन लेगा? राम जी और लक्ष्मण जी। ये पैराग्राफ आपसे ये कहना चाहता था। ठीक, द इंगेजमेंट पार्टनर शैल डायरेक्ट द वर्क टू द मेंबर्स ऑफ इंगेजमेंट टीम। कि भैया जो इंगेजमेंट पार्टनर है वो क्या करेगा? डायरेक्शन देगा वर्क को कि भैया किसको कहाँ क्या काम करना है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपेटेंसी एंड कैपेबिलिटी। ये जानते हुए कि कौन कितना अच्छा काम कर पाता है और कहाँ कौन सा बंदा किस काम को ज़्यादा अच्छे से करता है। द मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम शैल परफॉर्म द ऑडिटिंग एंगेजमेंट। जो मेंबर हैं, ठीक है, ऑफ एंगेजमेंट टीम शैल परफॉर्म द ऑडिट एंगेजमेंट एज पर द डायरेक्शन ऑफ एंगेजमेंट। कि जो भी डायरेक्शन दिया जा रहा है किसके द्वारा? एंगेजमेंट पार्टनर के द्वारा। उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उन्हें काम करना होगा। एंड द वर्क ऑफ द मेंबर ऑफ एंगेजमेंट टीम शैल बी सुपरवाइज बाई द इंगेजमेंट पार्टनर। सुपरवाइज मतलब हमने कहा कि भाई जाके तुम्हें अकाउंट की फाइल देखना अप्रैल से जून तक की, ठीक है, ये चेक करना और देखना इसमें जीएसटी कितना पे हुआ, जीएसटी की लाइबिलिटी कितनी थी, जीएसटी पे कितना हुआ और जीएसटी का इनपुट कितना था, ये जाके चेक करना। ये है, हमने उसे डायरेक्शन दिया। ठीक, उसके बाद कितना काम करना है, तो उसे कितना काम करना है, क्या काम करना है भैया? जीएसटी ओवरऑल चेक करना है अप्रैल से जून तक का, ये हमने दिया उसे। उसके बाद उसे कितना काम करना है हमने बता दिया। अब सुपरविजन का मतलब क्या है? कि भैया चेक करो कि वो ये काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। कंपिटेंसी है, कैपेबिलिटी का मतलब है कि उसको जीएसटी कैलकुलेट करना आता है या नहीं आता है, ये पहले आप जान लो। उसे सिखा के, लिखा के, पढ़ा के भेजो तो आपकी भी इज्जत बनी रहेगी। ठीक, ओके। नाउ बिफोर कमिंग ऑन पॉइंट बी आई गिव यू 15 सेकेंड टू राइट डाउन ऑल दिस पॉइंट। अब इसे लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सर पॉइंट बी पे चलते हैं। पॉइंट बी, कंसल्टेशन ऑन डिफिकल्ट मैटर्स। मतलब ऐसी कोई समस्या आ रही है जहाँ पे हमारे जूनियर आर्टिस्ट यानी हमारे आर्टिकल या हमारे साथ जो अकाउंटेंट या बीकॉम या एमकॉम पास बंदे आए हैं उन्हें किसी मैटर पे डिफिकल्टी आ रही है कि कैसे किया जाए, नहीं किया जाए,
तो अब क्या करना चाहिए उसके लिए उन्हें कंसल्टेशन करना चाहिए, किसी भी समस्या को जो उन्हें नहीं समझ में आ रही है उन्हें कंसल्टेशन करना है। द एंगेजमेंट पार्टनर शैल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट टीम अंडरटेकिंग अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ऑन डिफिकल्ट मैटर्स। कि भैया आपको अंडरटेकिंग करना होगा अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ऑन डिफिकल्ट मैटर्स, मतलब जहाँ भी उन्हें समस्या आ रही है, आपको लग रहा है वो अप्रोप्रिएट डिसीजन नहीं ले पा रहे, सही से काम नहीं कर पा रहे, जो भी उन्हें दिक्कत आ रही है उस पर आप उन्हें कंसल्टेशन देंगे। एंड एंगेजमेंट पार्टनर शैल डिटरमाइन वेदर कंक्लूजन रिजल्टिंग फ्रॉम सच कंसल्टेशन हैव बीन प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड, कि हमारी जो डिस्कशन हुई उससे जो कंक्लूजन निकल के आया। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, अगस्त में एक पार्टी थी, हम मतलब उसे हमने ना इम्पोर्ट किया था। ठीक है, और इम्पोर्ट हमने किया था तो इम्पोर्ट पे क्या होता है, जो भी आपका टैक्स होता है वो आपको रिफंड किया जाता है। कब? जब यही इंपोर्ट क्या हो जाता है, एक्सपोर्ट हो जाता है। तो आपने इंपोर्ट किया था 10 लाख का, 10 लाख पे आपने उसे पे करना था। अब क्वेश्चन है क्या ये इंपोर्ट है? हाँ। तो मान लो एक मैंने आपके लिए एग्जांपल ले रहा हूँ, इस पर 10% का TDS कटना था, वैसे 30% होता है रेट, 30% का TDS कटना था। क्या आपने काटा? आंसर इज नो, आपने नहीं काटा। अब ऑडिट कब हो रहा है? ऑडिट हो रहा है मई में, यह है अगस्त 2018 की बात और यह है मई 19 की बात। क्वेश्चन ये है, सर इसने TDS नहीं काटा, अब क्या करें? तो सर अब क्वेश्चन ये आएगा आएगा कि आप 30% इससे रिकवर तो कर नहीं सकते, आपने उसे 10 लाख दे दिए। हम ये मानेंगे कि ये 10 लाख जो है वो बिफोर, मतलब आफ्टर टैक्स है, आफ्टर टैक्स मतलब ये अपने आप में 130% है। तो इसका 30% कितना है, ये प्लस इस पर जो टैक्स लगता है वो लेके आपको क्लाइंट से पे करवाना होगा, तब जाके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ बनेगा। सच कंसल्टेशन, ये जो भी हमारी बात हुई हैव बीन प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड, कि ये जो है प्रॉपरली इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। कई बार क्लाइंट पेमेंट कर देता है बिना जाने पूछे, तो इस जगह ऐसी दिक्कतें आती हैं। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया प्रैक्टिकली कि ऐसा होना चाहिए था। सर ये आपने केस देखा है? बिल्कुल देखा है सर। रिव्यू ऑफ वर्क ऑफ एंगेजमेंट, कि भैया रिव्यू करना मतलब चेक करते रहो कि वो सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपने जैसा कहा वो वैसा कर रहे हैं नहीं कर रहे। बिफोर कंक्लूडिंग एनी ओपिनियन, मतलब बिना या पहले ओपिनियन पे आने से पहले या ओपिनियन को कंक्लूड करने से पहले एंगेजमेंट पार्टनर को शैल रिव्यू द वर्क ऑफ एंगेजमेंट टीम, उसे अपनी एंगेजमेंट टीम का जो काम है उसे रिव्यू करना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द फर्म्स रिव्यू पॉलिसीज, फर्म के रिव्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग एंड प्रोसेस। इन सच रिव्यू देयर मे बी फॉलोइंग कंसिडरेशन, इन बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। क्या क्या वो बातें? Whether the work has been performed according to the professional standard, तो आप ये highlight कर लो, क्या professional standard के according काम हुआ। Whether engagement comply with legal and regulatory requirement, क्या उन्होंने legal और regulatory requirement को पूरा किया। तो सर ये वो बातें जो आप already पढ़ चुके हो, बस एक बार दोबारा से लिखना पड़ रहा है हमें। Significant matter has been raised during the course of audit engagement, जो भी मुद्दे significant matter थे वो solve हुए audit engagement के, मतलब जिसमें उसे दिक्कत आ रही थी क्या वो दिक्कत वो problem अब तक solve हो पाई है। ठीक है, सिग्निफिकेंट जजमेंट मेड बाय एंगेजमेंट टीम, उन्होंने पर्टिकुलर सिचुएशन पे क्या जजमेंट लिया। ठीक, इसमें आप देखेंगे सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस विद TCWG ऑफ NTD, कोई भी ऐसी बात थी जो कि वहाँ के हेड से डिस्कस करनी थी, क्या आपने डिस्कस की, उसका क्या कंक्लूजन आया, ये आप चेक करो। वेदर सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ऑडिट एविडेंस कैसे होने चाहिए, सफिशियंट, सफिशियंट होता है क्वान्टिटी, अप्रोप्रिएट होता है क्वालिटी। ठीक है, ये होती है क्वान्टिटी, ये होती है क्वालिटी। क्या ऑडिट एविडेंस में क्वांटिटी आपने सही ली? क्वांटिटी मतलब 5 करोड़ का अमाउंट था, तो कम से कम 2-4 एविडेंस तो इकट्ठा करो कि हाँ गलती हुई है। अप्रोप्रिएट क्वालिटी मतलब अगर मान लो आपके पास उसकी प्रॉपर GST की बिलिंग आ गई तो आपको अप्रोप्रिएट क्वालिटी वाला बिल मिल गया। तो ऑडिट एविडेंस आपके पास पूरे हैं, धीरे धीरे सीखोगे सर, ऑडिट एक दिन का सब्जेक्ट नहीं है, ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस से आने वाला है, तो एक एक करके आपको चीज़ों को सीखना होगा। 7th है वेदर द वर्क परफॉर्म इज प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड, कि वर्क परफॉर्म जो है, ठीक है, क्या इसे प्रॉपरली डॉक्यूमेंट हुआ है। प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन मतलब जो भी बातें हुई आप लोगों के बीच में क्या आपने उसे रिटन एविडेंस रखा है, दिस इज कॉल्ड इज प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड। तो डी पॉइंट से जाने से पहले मैं आपको आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये लिख लें। चलिए सर मैं आपको 15 सेकंड देता हूँ यहाँ पे लिखने के लिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए सर आगे चलो। ओके अच्छा ये पॉइंट रह गया था, इसे लिख लीजिए। चलिए सर आगे बढ़ो। जल्दी कीजिए सर मैं आगे बढ़ पाऊँ। नो फ्रेंड लास्ट पॉइंट हमें इसमें डिस्कस करना है, लास्ट के बाद ई भी है लेकिन ई बहुत छोटा पॉइंट है। डी यहाँ पे ध्यान देना हमें एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। इसका मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई सीनियर पर्सन होता है, कोई नॉलेजेबल पर्सन होता है, कोई एक्सपीरियंस पर्सन होता है जो हमारे काम का रिव्यू करता है। हो सकता है वो एंगेजमेंट पार्टनर ही हो, या फिर हो सकता है कोई मेरा दोस्त हो, कोई मेरा आउटसाइडर हो। मैं किसी ऐसे बंदे से बात कर रहा हूँ जो कि पढ़ा लिखा है और जो कि अनबायस्ड है हमारे काम को लेके और जो कि हमारे काम को चेक करने वाला। दिस इज कॉल्ड इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। वर्ड कैसे लिस्टेड एंटिटी, तो इस पर एक एमसीक्यू बन सकता है कि ये किसकी बात करते हैं। तो इसका आंसर होता है एमसीक्यू में लिस्टेड एंटिटी की बात होती है। दोज अदर ऑडिट इंगेजमेंट इफ एनी फॉर विच हैज डिटरमाइंड दैट एन इंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू इज रिक्वायर्ड। मतलब आपका ऑडिट कोई बाहर से पर्सन कर रहा है और ये लिस्टेड एंटिटी में ही होता है। लिस्टेड कौन से होते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड होते हैं उसे क्या बोलते हैं, लिस्टेड बोलते हैं। तो वहाँ पे हमें बाहर से किसी को बुला के रिव्यू कराना पड़ता है कि भैया देख लो हमारा काम जो हुआ है ट्रू एंड फेयर और बहुत अच्छे तरीके से होता है। द एंगेजमेंट पार्टनरशिप डिटरमाइन दैट, क्या डिटरमाइन करना है, दैट एन एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर हैज़ बीन अपॉइंटेड। कि उसको ध्यान देना है कि एक क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर आए, उसे अपॉइंट किया जाए और वो कंट्रोल को रिव्यू करें कि देखो हमने सही से काम किया या नहीं किया। द एंगेजमेंट पार्टनर शैल डिस्कस सिग्निफिकेंट मैटर ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तो वो जो भी मुद्दे हैं, जो भी बातें हैं आपकी, मैटर को डिस्कस करेगा किसमें सर, ऑडिट एंगेजमेंट में, विद द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। किसके साथ सर डिस्कस करेगा, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के साथ, उस बंदे के साथ जो एक्सपीरियंस है, जो आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, आप जितना नॉलेजेबल है, जो कि एक पढ़ा लिखा इंसान है जिसको हर मैटर पे पता है कि किस जगह क्या होना चाहिए। एंड एंगेजमेंट पार्टनर शैल नॉट एक्सप्रेस द ऑडिट ओपिनियन बिफोर कंप्लीशन ऑफ एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। कि भैया यहाँ पे आपको ऑडिट ओपिनियन नहीं देना है, तब तक नहीं देना है बिफोर कंप्लीशन, जब तक वो आपका रिव्यू अच्छे से कर ना ले। ठीक है सर, ओके। नाउ
द एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर शैल कंडक्ट एन ऑब्जेक्ट इवेल्यूशन ऑफ सिग्निफिकेंट जजमेंट मेड बाई एंगेजमेंट टीम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वॉल्टिंग। मतलब कि किस बंदे ने, मतलब जामवंत ने, हनुमान ने, राम जी ने, लक्ष्मण जी ने किस जगह क्या जजमेंट लिया, सिग्निफिकेंट जजमेंट, वो उनके जजमेंट का भी इवेल्यूशन करेगा कि अनबायस थे या नहीं थे, इन्होंने जो किया वो एथिकल था या नहीं था, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट के अकॉर्डिंग था या नहीं था, लॉ के अकॉर्डिंग था या नहीं था, इन बातों को भी वो देखेगा। और जब ये सारी बातें ठीक हो जाएगी तब ऑडिट रिपोर्ट इशू की जाती है। ये किसके लिए बात हो रही है? ओनली फॉर लिस्टेड कंपनी, ओनली फॉर लिस्टेड कंपनी। ये एमसीक्यू भी हो सकता है, ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, करेक्ट इनकरेक्ट भी हो सकता है। दिस इवोल्यूशन सेल इन्वॉल्व द फॉलोइंग, कुछ बातें हैं यहां पे। ये चार बातें आपको ध्यान रखनी है भैया। रिव्यू किसका होता है सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ठीक है। इवोल्यूशन होता है कंक्लूशन पे कैसे पहुंचे आप, ठीक है, और आपने उसमें किस किस बातों का ध्यान रखा। रिव्यू होता है डॉक्यूमेंटेशन का, कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट बताए वो सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट थे या नहीं थे, ऐसे मतलब सफिशियंट अप्रोप्रिएट थे या नहीं थे, और जो जजमेंट पे आप आ रहे हो उसके लिए आपने क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ किया वो बताओ, और जो भी सिग्निफिकेंट मैटर थे वो एंगेजमेंट पार्टनर यानी राम जी और लक्ष्मण जी से डिस्कस हुए थे या नहीं हुए थे, कहीं वो नन्हे मुन्ने जो नए बच्चे आए थे कहीं वो अपने आप तो डिसीजन पे नहीं पहुंच गए, ये यहाँ पे चेक करना होता है। देखो मॉनिटरिंग का पॉइंट हम पहले कर चुके हैं, उसके बाद डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लास्ट पॉइंट। इफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अरेज विद इन एंगेजमेंट टीम और एंगेजमेंट पार्टनर, एंगेजमेंट टीम कौन है? हनुमान जी है, जामन जी हैं, अंगद जी हैं, सुग्रीव जी हैं। एंगेजमेंट पार्टनर कौन है? राम जी हैं और लक्ष्मण जी हैं। एंड क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, हो सकता है कि आपस में दिक्कत है और हो सकता है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के साथ दिक्कत है, मतलब जो बाहर से आया। फर्म्स पॉलिसी एंड प्रोसीजर शैल बी फॉलोड टू रिसॉल्व द मैटर, तो भैया जब भी कोई भी दिक्कत आएगी तो प्रोसीजर अपनाओ, मतलब शुरू से चेक करो कि कहाँ किस वजह से हमारा ओपिनियन जो है वो अलग हुआ, और जब तक ये मैटर सॉल्व ना हो जाए आगे मत बढ़ना, पहले से सॉल्व कर लेना। ये ओवरऑल बात हमें डिस्कस करनी थी आपसे, जिसके लिए मैंने एक अलग ही टाइम मांगा आपसे थर्ड पार्ट का, ठीक है। ये लिखना चालू कीजिए, मैं यहाँ पे आपको 30 सेकेंड दूंगा, ज़्यादा मैटर है इससे ज़्यादा टाइम, ठीक। तो फ्रेंड इसी के साथ हमारा एसे 220 जो है वो ख़त्म होता है। हमने सेकंड पार्ट में इसके आगे की बातें पढ़ ली थी, थर्ड पार्ट में हमें यहाँ ये वाला पॉइंट स्पेशली डिस्कस करना था, तो जो हमने कर लिया, ठीक है। अब मैं उम्मीद करूँगा कि आप अच्छे बच्चों की तरह इसे रिवाइज करेंगे, और आगे जैसे जैसे सीरीज़ में बताऊँगा वैसे वैसे आप इसे करते जाना। एक बार पूरा कोर्स कम्प्लीट कर लेना, उसके बाद उसको रिविज़न कर लेना, आप कोई भी बुक खोल के देखोगे, कोई भी क्वेश्चन देखोगे तो हो जाएगा। नाउ इट्स अप टू यू हाउ मैनी टाइम यू रिवाइज एवरीथिंग, ओके।
नाउ फ्रेंड, ये लास्ट पॉइंट, और इसी के साथ हमारा एसे 220 जो है वो फिनिश होता है। मैंने आपसे 3 पेज मांगे थे और आई होप आपने उन 3 पेजों का अच्छे से उपयोग किया होगा। ओके चलिए सर, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। सीरीज को कंटिन्यू रखिएगा, जैसे करवाता जाओ करते जाइएगा, जो जो अगला स्टेप मैं आपको बताऊँ उसको फॉलो करना। ओके थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज आपने मेरे साथ पार्ट 12 ऑफ ऑडिट जो है वो ख़त्म कर लिया है, और मुझे एक छोटी सी चीज़ बतानी है कि भैया नेक्स्ट पार्ट से आपकी जो भी स्टडी है, ये जो भी आप कर रहे थे, ये एक बुक है ऑडिटोहोलिक जो कि ऑलरेडी प्रिंट हो चुकी है, और बाकी सारे बच्चों ने इसका ऑर्डर भी कर रखा था, प्री ऑर्डर सबको डिलीवर भी, डिस्पैच भी हो गई है। एक छोटी सी बात ये बतानी थी कि अभी तक जो 12 पार्ट देख रहे थे आप, इसमें मैं आपको लिखने का टाइम दे रहा था, मैं इसमें आपको टॉपिक्स जो है लिख के आराम से लिखने का टाइम दे रहा था, साथ में कन्वर्सेशन कर रहा था, थोड़ा स्लो था। तो बच्चों ने कहा, मैसेज भी आया मेरे पास कि सर आप ना थोड़ा सा लिखने का टाइम मत दीजिए, यूट्यूब पे वीडियो तो हम इसको पॉज कर करके आराम से देख लेंगे, तो आप इसके लिए हमें समय मत दीजिए, हमारा टाइम बचेगा, आप बस डिस्कशन रखो। तो नेक्स्ट पार्ट से, पार्ट नंबर 13 से मैं सिर्फ डिस्कशन रखूँगा। ये आपकी जो बुक है इसकी ऑलरेडी स्लाइड शो जो है हमारी बनी पड़ी है, तो मैं आपको स्लाइड शो के थ्रू ही कराऊँगा, और जो भी चीज़ आप कर रहे हो वो सारे ही, ये कुछ बच्चों ने कहा था सर हमें दिखा दो बुक कैसे दिखती है, ये सारी चीज़ें एड टू जेड आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। सर इसमें तो बस ऐसे के नाम भी दिख रहे हैं, बाकी सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ पूरा सिलेबस कवर्ड है, बस एक अपना ही स्ट्रक्चर तैयार किया है बुक का। बाकी इसमें ओल्ड और न्यू के लिए जो कॉमन टॉपिक है वो कॉमन है, और जैसे कुछ टॉपिक सिर्फ ओल्ड सिलेबस के लिए है, जैसे कंपनी ऑडिट 2, ऑडिट एंड CIS एनवायरमेंट, वॉचिंग एंड वेरिफिकेशन, तो सिर्फ ये लिखा हुआ है ओल्ड सिलेबस के लिए। न्यू सिलेबस के लिए कौन सा है वो लिखा हुआ है, उसमें एक चैप्टर नंबर 6 है, तो वो मैं डायरेक्ट स्टडी वेट से कराऊंगा। मतलब एवरीथिंग कंप्लीट जो है मैं यूट्यूब पे आपकी सीरीज डालने वाला हूँ, इस बुक के थ्रू डालने वाला हूँ। अब जिनके पास टाइम है, जो मई 20 या नवंबर 20 दे रहे हैं, वो तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं वीडियो से, लेकिन जो जिनके पास थोड़ा टाइम कम है, जो ऑफिस जाते हैं, आर्टिकलशिप है, वो ये बुक ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, ले लेना, उससे आपका लिखने का टाइम बच जाएगा। जो भी मैं पढ़ाऊंगा टिक 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 करते हुए आप कर लोगे, बस आपको एक चीज़ करनी है, वो है रिवीजन आपको करना है। कोर्स मैं कंप्लीट करा के दूंगा, ठीक सर? मैक्सिमम किस डेट तक हो जाएगा? सर मेरा कोशिश ये रहेगी कि मैं यूट्यूब पे 15 से 20 अक्टूबर तक ये कोर्स आपका ख़त्म करवा दूँ, ठीक? और पार्ट 13 से वीडियो की लेंथ 40-50 मिनट्स की रहेगी, उसमें लिखने का टाइम ही रहेगा, डायरेक्ट डिस्कशन। और बहुत सारे बच्चों का एक कमेंट भी आया हुआ था, एक बच्चे का, कि सर मैंने अपने दोस्त से पूछा कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है, उसने बहुत अच्छे टीचर से क्लास ली लेकिन उसको डिफरेंस नहीं पता, और मैं आप यूट्यूब की आपकी फ्री सीरीज देख रही हूँ फिर भी मुझे आता है। तो बच्चे इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप किससे पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, इससे फ़र्क पड़ता है कि आप कैसा पढ़ रहे हो। और दूसरी चीज़ एक बात और कहूँगा कि हम लोग, चाहे टीचर कोई भी बुरा नहीं होता, सारे टीचर का अपना स्टाइल होता है, आपका स्टाइल जिस टीचर से मैच कर जाए वही आपके लिए रॉक स्टार और आप उसके लिए रॉक स्टार, क्योंकि आप ही रिजल्ट ला के दोगे, उसका फ्यूचर, उसका कैरियर आप पे डिपेंड करता है। तो ये कोई सेल प्रमोशन नहीं है बुक का कि आप बुक खरीदो ही खरीदो, जिसको सेल्फ नोट बना के करना है कर ले, जिसको टाइम बचाना है वो बचा सकते हैं। मई 20 के लिए इसका एक एडिशन और आएगा, मैं यूट्यूब पर अनाउंसमेंट कर दूंगा, वो होगा मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में पूरी बुक आपकी है, मॉड्यूल 2 में क्वेश्चन बैंक रहेगा, जैसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, केस स्टडी बेस कैसे आते हैं, क्या आते नहीं आते, उसकी सीरीज़ पर भी काम चल रहा है। वो अभी नवंबर के लिए शायद, मुझे नहीं लग रहा अभी टाइम है हमारे पास, और मैं इशू भी नहीं कर पाऊँगा। मॉड्यूल 1 20 अक्टूबर तक ख़त्म कर दूँगा, मॉड्यूल 2 मैं डिस्कस नहीं करूँगा, वो सिर्फ पास्ट ईयर क्वेश्चंस के कंपाइलेशन होंगे, RTP MTP और जो भी पास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे गए उसका अमेंडेड के साथ, ठीक, अमेंडमेंट के साथ। बस आप लोग का एक छोटा सा काम, मुझे ये सपोर्ट चाहिए, वो है कि मैं आपको आने वाले किसी भी पार्ट में ये नहीं कहूँगा कि वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, आपके दिल से इच्छा है कर देना, नहीं आए तो मत करना। मेरे कुछ इतने चहेते दोस्त और स्टूडेंट्स हैं कि वो बिना बोले ही डिसलाइक जरूर मारेंगे, चाहे लाइक करने वाले भूल जाए या नहीं भूल जाए, तो उनको भी थैंक्स कहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने दिल में जगह तो देते ही हैं, चाहे लाइक के थ्रू या डिसलाइक के थ्रू। तो इस बात से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लाइक करो या डिसलाइक करो, इस बात से फ़र्क पड़ेगा कि मैं ऑनेस्टली से अपना काम करूँगा, और जिन बच्चों को पास होना है वो देखेंगे भी, पास भी हो जाएंगे। सर ये ओल्ड के लिए, बोथ के लिए? सर पूरा सिलेबस कराऊंगा, ओल्ड के अकॉर्डिंग भी, बोथ के अकॉर्डिंग भी। एक क्वेश्चन और हो सकता है, सर हमारे पास आपके पास पुरानी वाली बुक है,
आप ये पुरानी वीडियोस है 70 वीडियोस तक, सर उसका क्या करें? अगर वो कोई बच्चा वो कर रहा है तो डेफिनेटली वो कर ले, ओल्ड सिलेबस के लिए वो 100% था, और उसकी बुक अगर उस आपके पास है तो आप वही कर लो। मेरे अभी भी जो मई के लिए या नवंबर के लिए टॉप 20 का बैच बनेगा, मैं अभी भी वो बुक ओल्ड सिलेबस वालों को तो देने वाला हूँ, क्योंकि उसमें क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पूरी बुक जो है वो बनी हुई थी। ये क्या है, ये टॉपिक वाइज बनी पड़ी है। हर चैप्टर में जैसे 5 टॉपिक है, तो मैंने उन 5ों टॉपिक के अलग अलग चैप्टर बना दिए, कि बच्चे को लगे कि छोटा छोटा टॉपिक है, छोटा छोटा चैप्टर है, छोटा छोटा पेज है। उससे वो क्या करेगा, जल्दी लर्न करेगा कि यार छोटा सा ही तो पढ़ना है, थोड़ा सा ही तो पढ़ना है। तो एक वर्ड होता है कुंतम कुंतम, मतलब स्मॉल स्मॉल, मतलब कि कोई भी बड़ी चीज़ करनी है तो एक छोटा सा स्टेप लेना पड़ता है। तो इस टाइप से मैंने ये बुक जो है आपके सामने प्रस्तुत की है, प्रेजेंट की है। इसमें आप देख सकते हो जैसे ये पूरी आपकी बुक जो है, अब जैसे इसमें ऑडिट एंड इंश्योरेंस जो भी मैंने स्लाइड शो आपको दिखाया था, बिल्कुल उसी फॉर्म में है सब कुछ, प्रॉपर वे में। और हो सकता है एक आध छोटी मोटी गलती ये मान सकता हूँ कि इसके अंदर आपको एक आध नहीं, 100 में 5 या 10 मिस्टेक हो सकती है, टाइपिंग एरर हो, तो वो नेक्स्ट एडिशन आएगा उसमें रेक्टिफाई हो जाएगा। वैसे तो नहीं है, लेकिन एक हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, तो उसके लिए एडवांस में सॉरी बोल दूंगा, और वीडियो पढ़ाते समय मैं उसका करेक्शन भी करवाता रहूँगा। तो आप देख सकते हो पूरी बुक जो है सिस्टमेटिक वे में आपके सामने है, ठीक। और ये वही डिक्टो बुक है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ स्लाइड शो के द्वारा, स्लाइड शो को ही बनाया गया इस बुक के बेस के ऊपर, ठीक है। तो ये मई 20 के लिए, नवंबर 20 के लिए 100% अप्लीकेबल है। इसमें कोई अमेंडमेंट आएगी तो मैं वीडियो के लास्ट में, ये जो प्लेलिस्ट बन रही है, प्लेलिस्ट भी है साथ में इसकी बनती जा रही है, तो वो प्लेलिस्ट के एंड में मैं अमेंडमेंट जोड़ दिया करूँगा, मई के लिए मई की, नवंबर के लिए नवंबर के लिए, ठीक। ये वीडियो अभी मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने इसका अनाउंसमेंट ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक। तो मैंने कहा था मैं 12th वीडियो के एंड में करूँगा, और आपका नेक्स्ट डे से ये आपको वीडियो कम्प्लीटली 40 to 50 मिनट्स की मिलेगी। जो भी टॉपिक चल रहा होगा हम सिर्फ डिस्कशन पे फोकस करेंगे। और मान के चलिए अभी आपकी डेट होगी 10th सितंबर, तो 10th सितंबर से 30 सितंबर, 20 डेज और 20 डेज, यानी 40 लेक्चर्स जो आपको मिलने वाले हैं, उसमें आपका कोर्स मैं कोशिश करूँगा ख़त्म हो जाए। 12 लेक्चर्स मिल चुके हैं, 40 और, तो 52 जो है वो आपके हाथ में है, ठीक। चलिए, और एक छोटी सी चीज़ कहूँगा, बाई चांस एक आध चीज़ मुझसे छूट जाए, बाई चांस 99% श्योर हूँ एक आध चीज़ छूट जाए तो सेल्फ कर लेना। बाकी आपको इतना मैच्योर बना के भेजूंगा कि आप ऑडिट का पेपर दे के आएंगे और आप मुझसे खुद कहेंगे सर आपके बुक से बाहर कुछ नहीं था, हमने 100% पेपर अटैम्प्ट किया और वही लैंग्वेज में किया जैसा आपने हमें सिखाया था। और फिर रिजल्ट पे भी आप मुझे मैसेज करोगे सर आपके ऑडिट की वजह से ही मैं पास हो पाया, आपके ऑडिट की वजह से एग्जामेशन आई, आपके ऊपर है सर, आप मालिक। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।